ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और एक समय ऐसा भी आया, अच्छा बीच में एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरी स्कूटी से ऑफिस जाती थी तो स्कूटी ख़राब हो गई रास्ते में, यहाँ घर से निकली और ऐसे बंद हुई कि वो फिर चल ही नहीं रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश हो रही थी, बारिश हो चुकी थी, कीचड़ था। अब जो दुकान थी वो वहाँ से मुश्किल से आधा पौना किलोमीटर दूर थी। अब उतनी दूर तक कैसे ले जाएं, बारिश हो रही है, कोई रिक्शे वाला तैयार नहीं हो रहा है, बहुत थक गई थी। अब उस समय क्या करेंगे, बाबा ही याद आएगा ना। बाबा को मैंने उलाहना देना शुरू किया, झगड़ा करना शुरू किया, याद भी नहीं किया, झगड़ा किया। मैंने कहा कि आपको तो पता है ना कि जो है ये, और पैर बहुत दर्द हो रहे थे, इतना दर्द हो रहे थे कि चल नहीं पा रही थी। मैंने बाबा को लाना दिया, बाबा अगर लौकिक में होती ना तो मेरा पति जो है मुझे गाड़ी खींचने नहीं देता, और आप कैसे हो, आप वहाँ ऊपर बैठे हुए हो, देख रहे हो, आप कैसे हो, यहाँ अभी कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, और आप हो कि आप कोई मदद भी नहीं कर रहे हो, तो कैसे करूँ मैं। बाबा को याद करती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि मेरा जो दर्द था पाँव का कहाँ चला गया मुझे पता नहीं, गाड़ी बहुत हल्की हो गई, और उसको ले करके मैं दुकान तक पहुँच गई। बात को बाबा को थैंक्स दिया, और मैं सोच भी रही थी कि बाबा को मैंने बेकार में ही सुना डाला इतना, है ना। मगर कभी कभी लगता है कि बाबा से झगड़ा किए बिना भी काम नहीं चलता।